नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां युवा कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों को पीसीसी ने नोटिस थमाया है। बता दें कि संगठन की बैठक में गैर मौजूदगी के बाद ये सख्ती की गई है, जहां पदाधिकारियों और संगठन में काम नहीं करने वालों को नोटिस दिया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जहां सदस्यता अभियान की समीक्षा के दौरान गैर मौजूदगी पदाधिकारियों को नोटिस दिया गया है। बता दें कि युवा कांग्रेस में ऐसे दर्जन भर पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया और उन्हें कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां पर युवा कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों को पीसीसी ने नोटिस थमाया है। संगठन की बैठक में गैर मौजूदगी के बाद ये सख्ती की गई है, जहां पदाधिकारियों और संगठन में काम नहीं करने वालों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। बता दें कि सदस्यता अभियान की समीक्षा के दौरान गैर मौजूदगी पदाधिकारियों को ये नोटिस थमाया गया है, जहां युवा कांग्रेस में ऐसे दर्जन भर पदाधिकारियों को नोटिस बताओ कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी जुड़ चुकी है। आकांक्षा, 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में युवा कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों की निष्क्रियता सामने आ रही है, जहां पर पीसीसी ने कारण बताओ नोटिस थमाया है। आकांक्षा, बिल्कुल, देखिए चुनाव है करीब, अब ऐसे में कांग्रेस जिस प्रकार से तैयारियां प्रदेश में कर रही है, कांग्रेस को उम्मीद है कि जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके पदाधिकारी है, उनका परफॉर्मेंस उसी लेवल का हो। लेकिन कई ऐसे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी निष्क्रियता उनके क्षेत्र में सामने आई है, और यही बड़ी वजह है कि उन निष्क्रिय पदाधिकारियों को अब पीसीसी की ओर से नोटिस भी थमाया गया है। बीते दिन युवा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, और उस बैठक में अलग अलग जो जिले के पदाधिकारी हैं वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, और इन जिलों के पदाधिकारियों की भी अगर बात की जाए तो लगातार उनकी निष्क्रियता की शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। और अब इस पे कार्रवाई करते हुए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने लगभग दर्जन भर से अधिक पदाधिकारियों को चिन्हित किया और काम नहीं किए जाने को लेकर के कारण बताओ नोटिस वर्तमान में जारी कर दिया है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि उन पर और किस प्रकार की कार्रवाई होती है, और क्या उन तमाम क्षेत्रों में जहां पे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है वहां पे नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कांग्रेस करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कांचा, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां युवा कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों को पीसीसी ने नोटिस थमाया है। संगठन की बैठक में गैर मौजूदगी के बाद ये सख्ती की गई है, जहां पर पदाधिकारियों और संगठन में काम नहीं करने वालों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।